काफ़ी तेज़ी से काम कर रही होगी। पानी ख़त्म हो चुका है, पानी आना ख़त्म हो चुका है। और ये दुर्गा पूजा पंडाल काफ़ी भव्य लग रहा है। जस्ट आप लोगों को चक्रव्यूह यानी गोलाकार होने वाला है ये पूजा पंडाल। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है गाइस। और काफ़ी वर्कर काम कर रहे हैं, इसको साफ़ सफाई करने के लिए बिछा रहे हैं, कॉन्क्रीट के ईंटें बिछा रहे हैं यहाँ पे। और चलिए अंदर आप लोगों को ले चलता हूँ कि किस तरह से ये दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा है। देख सकते हैं ये लकड़ी के यानी काफ़ी प्रयोग किया गया है। उस टाइम तो लग रहा था काफ़ी गोलाकार लग रहा था, बट अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। कुछ इस तरह से रहने वाला आप लोग का बकरी बाज़ार का दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि आप लोग का 60 लाख बजट रहने वाला है इस दुर्गा पूजा पंडाल का। और यहाँ पे कलकत्ता से कारीगर आए हुए हैं, जो कि आप लोग का 90 कारीगर काम कर रहे हैं इस दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए। और आप देखते हैं झूला वगैरह भी लग चुका है इधर गाइस, झूला वगैरह लगना शुरू हो चुका है क्योंकि दुर्गा पूजा काफ़ी निकट है। आप लोग का बस 1 सप्ताह यानी 14 तारीख से स्टार्ट है गाइस। इस वजह से काफ़ी लोग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं गाइस। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये लगने वाला है दुर्गा पूजा पंडाल, जो काफ़ी भव्य रहने वाला है। यानी रात में लाइट वगैरह जलेगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा गाइस। कुछ इस तरह से दिखने वाला है। आप लोगों को कुछ अंदर का दृश्य दिखाते हैं, अगर अंदर जाने मिलता है तो आप लोग अंदर जाके दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर से बनाया जा रहा है। चलिए अंदर चलने की कोशिश करते हैं गाइस। इधर से अंदर जाने का रास्ता है, चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग कुछ दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ किस तरह से बनाया जा रहा है। देख सकते हैं काफ़ी कारीगर काम कर रहे हैं दुर्गा पूजा बकरी बाज़ार दुर्गा पूजा पंडाल में गाइस। कुछ इस तरह से लगने वाला है, काफ़ी वर्कर काम कर रहे हैं, जो कि जस्ट आप लोग कलकत्ता से आए हुए हैं कारीगर। यदि पूजा पंडाल काफ़ी भव्य लगने वाला है गाइस, जो कि 60 लाख बजट आ रहा है इस दुर्गा पूजा पंडाल का। और रांची का सबसे बेस्ट पूजा पंडाल बकरी बाज़ार का ही माना जाता है गाइस, जो कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आप रांची से देख रहे हो तो। देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से लगने वाला है ये दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि काफ़ी भव्य अंदर हो जाते हैं और बहुत धूल रहा है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहने वाला है, रात रहने वाला है इधर गाइस। और ये पूजा पंडाल कुछ इस तरह से रहने वाला है, देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को ले आया हूँ रांची के सबसे बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि बकरी बाज़ार के नाम से काफ़ी फेमस है। काफ़ी लोग बकरी बाज़ार दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में जानते हैं क्योंकि रांची का सबसे बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल बकरी बाज़ार के नाम से जाना जाता है गाइस। अगर आप लोग बकरी बाज़ार दुर्गा पूजा पंडाल नहीं जानते हैं तो गाइस ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैप डाल दूंगा, जिसके सहायता सब आ सकते हैं। और इस वर्ष 2023 में ये बकरी बाज़ार दुर्गा पूजा पंडाल आप लोगों का काफ़ी भव्य बनाया जा रहा है। और यहाँ पे माँ की प्रतिमा को भी काफ़ी भव्य बनाया जा रहा है गाइस। और इस दुर्गा पूजा पंडाल बनाने में लागत आ रही है करीब 60 लाख रुपये लागत आ रही है गाइस। और आज मैं आया हुआ हूँ इस दुर्गा पूजा पंडाल को दिखाने के लिए गाइस कि किस तरह से बन रहा है गाइस। और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, यानी चक्रव्यूह वाला होने वाला है, जहाँ महाभारत का चक्रव्यूह दिखने वाला है। और ये देख सकते हैं रथ वगैरह और काफ़ी कुछ बनाया जा रहा है यहाँ पे। और कारीगर आए हुए हैं बाहर से गाइस। तो चलिए कुछ सिनेमेटिक देखिए, फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ और कुछ बातचीत करता हूँ। जो कि बकरी बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रस रहता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं झूला वगैरह। और ये पंडाल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्राउड रहती है इस दुर्गा पूजा पंडाल में। क्या फ्रेंड्स आप इस बार आ रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल घूमने बकरी बाज़ार तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें गाइस। और अगर आप रांची से देख रहे हो तो बकरी बाज़ार दुर्गा पूजा पंडाल आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें गाइस। तभी तो आपको छोटा भाई इस तरह का मेहनत कर पाएगा गाइस और आप लोग अच्छा वीडियो देख पाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से तैयारी चल रही है गाइस। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं माँ की दुर्गा की प्रतिमा किस तरह से बनाई जा रही है इस बकरी बाज़ार दुर्गा पूजा पंडाल में। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। चलिए अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह से माँ की दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है गाइस, जो कि काफ़ी भव्य रहने वाला है गाइस, जो कि आप लोग का 30 फीट ऊँचा रहने वाला है गाइस। कुछ इस तरह से और काफ़ी ज़्यादा कारीगर काम कर रहे हैं, जो कि प्लास्टिक के कुछ लगा रहे हैं। और ये पंडाल कुछ इस तरह से रहने वाला है। और ये प्लास्टिक कुछ बनाए जा रहे हैं गोलाकार, जो कि आप लोग ऊपर में लगा हुआ रहेगा। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से कारीगर काम कर रहे हैं गाइस, जो कि जैसे आप लोग कलकत्ता से आए हुए हैं कारीगर। और ये देख सकते हैं ये माँ की मूर्ति कुछ इस तरह रहने वाली है बकरी बाज़ार दुर्गा पूजा पंडाल में।